हम होम पेज को डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि हमारा टास्क सारे कंप्लीट हो गए, हमने इवेंट मैनेजर प्लगइन भी इंस्टॉल कर लिया, लिस्टिंग ऐड करनी भी सीख ली, और पोस्ट एंड इवेंट पे आए तो यहाँ पर हम देख लें कि फील्ड्स, अब ये वही सारी फील्ड्स हैं जो बैकएंड पर आपने क्रिएट की हुई हैं, और यूज़र जो है वो फ्रंट एंड से यहाँ से अपनी जो इवेंट की लिस्टिंग के लिए यहाँ से डाटा सबमिट कर सकता है। ये तमाम वही फील्ड्स हैं जो कि हमने बैकएंड से मैनेज की हैं। ओके, तो होम पेज पर आ जाते हैं। अब हमारा काम क्या है कि हमने एक होम पेज खूबसूरत सा डिज़ाइन करना है अपनी इस इवेंट लिस्टिंग वेबसाइट के लिए। उसके लिए एलिमेंटर हमने इंस्टॉल कर लिया था, थीम इंस्टॉलेशन के दौरान ही। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर प्लगइन है। इसके बारे में अभी अगर आपको आइडिया नहीं है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और ये क्या है, तो इसके लिए भी कोर्स की डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे इस एलिमेंटर के फ्री कोर्स का भी लिंक मौजूद है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये भी कोर्स है, आप इसको एक दफ़ा देखें कि एलिमेंटर में, एलिमेंटर को पूरा हमने उसमें मैनेज करना सिखाया गया है, और एलिमेंटर के बारे में हर चीज़ हमने उस बेसिक जितनी भी हैं वो सारी उस कोर्स में हमने सिखाई हैं। उस कोर्स को देखने के बाद आप इसको, क्योंकि हम इस वीडियो में उस एलिमेंटर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम सिंपली एलिमेंटर को इस्तेमाल करेंगे होम पेज को बिल्ड करने के लिए। तो एलिमेंटर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप एलिमेंटर का हमारा कोर्स देखें। अब पेजेस में आए, होम पेज चूँकि हमने सेट कर लिया था, इसको एडिट करते हैं फ्रंट पेज के तौर पर। अब जब आप किसी भी पेज को एडिट करते हैं और आपने ओशियन WP थीम इंस्टॉल किया हुआ है, तो ओशियन WP की कुछ सेटिंग्स हैं जो हर पेज से रिलेटेड आपको यहाँ पर हर पेज के एडिट स्क्रीन में एडिटर के नीचे मिलती हैं, जिसमें आप कंटेंट लेआउट, हम इसको 100% फुल विड्थ करते हैं, साइड बार, जब 100% फुल विड्थ हो जाएगा तो साइड बार ख़त्म हो जाएगी, इसके जो मार्जिन्स हैं उनको डिसेबल करते हैं। उसके बाद टाइटल है, यहाँ से हम इसको भी डिसेबल करेंगे, जो कि ये टाइटल आ रहा है हमारे पास, हमने इसको भी डिसेबल करना है। हमने सिंपल एक प्लेन पेज रखना है जिसको हम एलिमेंटर के साथ बिल्ड करेंगे। ओके, तो आप देखें अब सारा एरिया हमारे पास खाली हो गया, अब हमारे पास सिर्फ ये पेज रह गया। अब इस पेज को हम एलिमेंटर के साथ, एडिट विद एलिमेंटर के साथ बटन आपके पास जो आ रहा था उस पर आप क्लिक करेंगे, तो आप अब इस पेज की एडिट स्क्रीन में आ गए हैं एलिमेंटर के साथ। अब फॉलो कर लेते हैं कुछ बड़ी साइट्स को, जैसे इवेंट ब्राइट ही हमने ओपन की थी। इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर होम पेज पर एक बैनर है, और उसके बाद लिस्टिंग आ रही है विद इट्स फिल्टर। तो हम भी क्या करते हैं कि एक बैनर एरिया बना लेते हैं। बैनर एरिया बनाने के लिए हम यहाँ से एक नया सेक्शन क्रिएट करते हैं। और इसको हम कुछ पैडिंग देते हैं, और इसको बैकग्राउंड पर हमने कोई इमेज असाइन करना है तो हम एक इमेज ले लेते हैं, pixels.com से। किसी इवेंट की, ओके, ये पिक्चर ले लेते हैं, इसको एज ए बैकग्राउंड सेट करते हैं। आई थिंक ये एक और इवेंट की पिक्चर मेरे पास पड़ी है, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है मुझे। ओके, और इसके अंदर स्पेसर दे लेते हैं यहाँ पर, और हेडिंग देते हैं, और एक मज़ीद स्पेसर जो है वो हेडिंग के नीचे दे लेते हैं। ओके, और यहाँ पर हम कुछ भी जो अपनी वेबसाइट के लिए हेडिंग जो है वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखें, ये तो सिंपल एक स्लाइड शो लगा हुआ है, हम यहाँ पर टेक्स्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, स्टाइलिंग इसकी थोड़ी मैनेज कर लेते हैं, कलर वगैरह मैनेज कर लेते हैं, फ़ॉन्ट वगैरह मैनेज कर लेते हैं।
मज़ीद टेक्स्ट ऐड करते हैं और ओके जो हमने बैकग्राउंड लगाया था इसको सेंटर सेंटर करते हैं और इसका साइज़ जो है वो कवर करते हैं ताकि ये इमेज जो है वो हमें अच्छी नज़र आए, और पैडिंग जो है वो टॉप बॉटम से थोड़ी इंक्रीज़ कर देते हैं, 100 टॉप से कर देते हैं और बॉटम से भी 100 कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस जो है वो बैनर एरिया की ज़्यादा हो। और उसके बाद आप देखें इमेज जो है वो काफ़ी ब्राइट है और टेक्स्ट जो है वो कुछ हमारे पास फेड हो रहा है, तो यहाँ इस इमेज को एक ओवरले इफ़ेक्ट देते हैं इसके बैकग्राउंड को। उसके लिए स्टाइल्स में आते हैं, बैकग्राउंड ओवरले में हम एक डार्क कलर का ओवरले इसको दे देते हैं। ओके ओपेसिटी इसकी इंक्रीज़ कर देते हैं मज़ीद। ओके तो ये ख़ूबसूरत हमारे पास एक बैनर एरिया आ गया, इसको अपडेट करते हैं। और अब होम पेज के ऊपर आपने इवेंट्स लिस्ट करवाने हैं, यानी कि इवेंट्स डिस्प्ले करवाने हैं। इवेंट्स डिस्प्ले करवाने के लिए इस इवेंट के एलिमेंटर के लिए विजेट बने बनाए मिलते हैं, जो कि इसकी मज़ीद एक ऑप्शन थी जो मुझे जिसकी वजह से मैंने इसे सिलेक्ट किया है कि इसके जो हैं वो बिल्ट इन विजेट्स हैं, एलिमेंट्स हैं एलिमेंटर के लिए, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एलिमेंटर के थ्रू पेज बिल्ड करते हुए। अब हमने यहाँ पर इस डिस्प्ले करवानी है इवेंट लिस्टिंग, इवेंट लिस्टिंग को यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा लेते हैं। अब इवेंट लिस्टिंग को डिस्प्ले करवाने के साथ हम इसको एक कस्टम क्लास असाइन करते हैं, मैं इसको कहता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसके लेआउट को कस्टमाइज़ करना है, कस्टम सीएसएस। अब एलिमेंटर का फ्री वर्जन जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस इसकी डिसेबल्ड होती हैं, जैसे कि कस्टम सीएसएस हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हमने क्लास लगा ली है, हम इसको थीम के या कस्टमाइज़र के जो सीएसएस है वहाँ से हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम मैक्सिमम आपको फ्री टूल्स को इस्तेमाल करते हुए सारी चीज़ें बिल्ड करने सिखाएं, कि आपको फोर्स ना करें कि आपकी ये प्लगइन बाय करें तो आपको, या ये टूल आप बाय करें तो आप ये अचीव कर सकते हैं। हम फ्री टूल्स भी आपको इस्तेमाल करने, फ्री टूल्स के ज़रिए भी काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करना आपको सिखाएंगे। अब इस इवेंट की सेटिंग्स आपने देखनी हो तो यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स हैं, आप इसकी पेजिनेशन जो है वो इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि होम पेज के ऊपर कितनी इवेंट्स या कितनी पोस्ट पर पेज आएँ, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। और शो पेजिनेशन आप इसको ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, हम इसको फॉल्स रहने देते हैं कि होम पेज के ऊपर पेजिनेशन नहीं आएगी, सिंपल हम कुछ लिमिटेड इवेंट्स डिस्प्ले करवाएंगे। और उसके बाद शो फीचर्ड, अब हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आप सिर्फ फीचर्ड इवेंट्स होम पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं या आप ऑल इवेंट्स करवाना चाह रहे हैं, तो हम फीचर्ड इवेंट्स ही होम पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं। और उसके बाद शो फिल्टर, आप इसको फॉल्स कर देंगे तो फ़िल्टर आपका जो है वो डिसेबल हो जाएगा, इसको ट्रू ही रहने देते हैं। और अगर आप स्पेसिफ़िक कैटेगरीज से इवेंट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आप कैटेगरीज़ को जो है वो कोमा सेपरेटेड यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, अगर आप बाय टाइप जो है वो सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं तो आप बाय टाइप जो है वो कोमा सेपरेटेड सिलेक्ट करते जाएंगे। तो अभी हम इसको अपडेट करते हैं और होम पेज को आप वन टाइम रीलोड करके देखते हैं। आप देखें अब हमारे पास होम पेज पर देखें खूबसूरत लेआउट है, और ये हमारे पास फ़िल्टर है, और ये हमारे पास फीचर्ड इवेंट लिस्ट है, क्योंकि हमने इस इवेंट को एज ए फीचर्ड सेट किया था जब हमने इसको इवेंट को ऐड किया था। और अब हम क्या करते हैं कि इस ये जो फ़िल्टर है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर मूव करता हूँ ताकि ये इसके ऊपर ओवरलैप करता हुआ नज़र आए और एक खूबसूरत सा इफ़ेक्ट हम इसको देंगे। उसके लिए सबसे पहले तो मैं इस ये जो सेक्शन है इसकी जो बॉटम से पैडिंग है वो इनक्रीज करता हूँ, क्योंकि इसने उसके ऊपर ओवरलैप करना है तो हमारे पास स्पेस का इशू फिर होगा। ओके
तो ओवरलैप करने के लिए अगर हम इसको हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो यहाँ से सबसे पहले तो जो हमने क्लास लगाई थी हम उसको देख लेते हैं कि वो यहाँ पर हमारे पास कहाँ आ रही है इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। ये हमारे पास WPSC होम लिस्टिंग के नाम से हमने क्लास लगाई थी। अब हमने करना क्या है, सिंपली हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये जो सेक्शन है हमारे पास जिसमें हमने इस विजेट को ऐड किया है, सिंपली इसकी एडवांस के सेटिंग में जाके इसका जो मार्जिन टॉप है ये हम माइनस में ले जाएंगे। जितना आपको चाहिए उतना आप माइनस में से, हम सिर्फ जो सर्च फिल्टर्स हैं सिर्फ इतने सेक्शन को हम ओवरलैप करवाएंगे, और ये आई थिंक 130 -130 के ऊपर ये हमारे पास सेट है। इसको अपडेट करते हैं तो आप देखें ये यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, बड़ा नाइस सा कोई ट्रांसपेरेंट कलर दे देते हैं। उसके लिए हम देख लेते हैं कि इस सेक्शन को एक्सेस करते हैं, ये सेक्शन कौन सा है, ये हमारे पास फॉर्म है जिसको क्लासेस लगी हुई हैं WPEM मेन मेन फॉर्म, ये मल्टीपल क्लासेस इसको लगी हैं, इनमें से एक जो है वो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब इसको हमने बैकग्राउंड कलर असाइन करना है, उसके लिए अपेरेंस में कस्टमाइज में जब आप कस्टम CSS ऐड करना चाहेंगे अपनी इस ओशन WP थीम के साथ, तो आप अपेरेंस में कस्टमाइज में आएंगे तो आपको डेडिकेटेड सेक्शन मिलता है, और चूंकि यहाँ पर हमारे पास प्रीव्यू आ ही रहा है तो हमें पेज को रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर आप देखें कस्टम CSS और JS का आपके पास एक सेक्शन है। मैं यहाँ पर वो क्लास लगाता हूँ, लेकिन इसको हम अपनी क्लास के साथ एक्सेस करेंगे जो हमने लगाई है। हम डायरेक्टली इनकी क्लास किसी भी प्लगइन की या किसी भी थीम की जो क्लास होती है आप उसको डायरेक्टली अपनी CSS के साथ कभी भी मॉडिफाई ना करें अनलेस इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड। आप हमेशा अपनी क्लास ऐड करें अगर आप कर सकते हैं उस एलिमेंट के ऊपर, जैसे हमारे पास ऑप्शन थी हम एलिमेंटर के थ्रू इस सेक्शन के ऊपर अपनी क्लास ऐड कर सकते थे। अब हम जब जो इसके ऊपर स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करेंगे ये सिर्फ वहीं पर लगेगी जहां पर हम लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर फॉर्म कहीं और भी इस्तेमाल हुआ है तो आप इसके ऊपर जो भी स्टाइलिंग लगाएंगे वो उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो हम ये नहीं चाहेंगे। अब हम इसको एक बैकग्राउंड कलर देंगे, हम एक इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड देते हैं एक वाइट कलर का। उसके लिए RGBA इस्तेमाल करना होगा हमें, और वाइट कलर के लिए हमारे पास 255 जो है वो प्रॉपर्टी होती है, 255 255 255, और अब हम इसकी ओपेसिटी देंगे। आई थिंक ये इनफ है, और अब हमें इसको पैडिंग भी देनी होगी क्योंकि देखेंगे ये इसकी बाउंड्री के साथ चिपक रही हैं इसकी फील्ड्स, इसको हम पैडिंग दे लेते हैं 15 पिक्सल। अब जैसे ही हमने इसको पैडिंग दी तो आप देखेंगे ये फील्ड्स जो हैं वो हमारे पास थोड़ी नीचे खिसक गई हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए सिंपली हम जो मार्जिन था इसको हम मज़ीद इंक्रीज़ कर देंगे, इसको 150 कर देते हैं, अपडेट करते हैं, यहाँ से भी इसको पब्लिश करते हैं, और अब इसको रीलोड करते हैं। ओके, तो आप देखिए ये खूबसूरत हमारे पास लेआउट बन गया इसका, और हम इसके बॉर्डर्स को थोड़ा राउंड कर देते हैं। ओके, तो ये देखें अब हमारे पास इसका जो फिल्टर था वो भी एक खूबसूरत अंदाज में आ गया।
मज़ीद इसको खूबसूरत बनाते हैं। खूबसूरत बनाने के लिए हम होम पेज के ऊपर एक सेक्शन ऐड कर लेते हैं, इसको हम कह देते हैं, यहाँ पर हम इमेज करूज़ल इस्तेमाल कर लेते हैं इसका एलिमेंटर का। और सॉरी सो यहाँ से इसको मैं एक दफ़ा डिलीट करूँ, हम इसके अंदर इनर सेक्शन लगाते हैं, पहले इनर सेक्शन एक लगाते हैं। इस इनर सेक्शन को मार्जिन इसका ज़ीरो करते हैं और इसमें एक हेडिंग दे लेते हैं। ओके, और यहाँ पर अब हम इस्तेमाल करते हैं क्रूजल और एक ही कॉलम रखते हैं इसका। अब यहाँ पर आप सिंपली डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स के लोगोज़ जो हैं वो डिस्प्ले करवा सकते हैं फीचर्ड ऑर्गेनाइजर्स के तौर के ऊपर, कि अगर आप इसको भी आप पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस तरह से कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जब ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है तो डिफरेंट लोग आपको, क्योंकि आपकी स्पेसिफिक इवेंट बेस्ड वेबसाइट है और अगर इसके ऊपर ट्रैफिक आपने जनरेट कर ली है, इसको थोड़ा पॉपुलर कर लिया है, तो डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइजर्स आपको अप्रोच करते हैं। आप इस स्पॉट को उनसे पैसे चार्ज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जी हम आपको अपने होम पेज के ऊपर फीचर्ड ऑर्गेनाइजर्स के तौर पर लिस्ट कर देंगे। इस लिस्टिंग को भी आप रेवेन्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप फिर चार्ज करें डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स से यहाँ पर उनके लोगोज़ डिस्प्ले करवाने के लिए। तो हम सिंपली मैं आपको साथ साथ आइडियाज़ भी देता जा रहा हूँ जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और लोगोज़ सिंपली इस क्रूजल में लोगोज़ डिस्प्ले करवाने हैं तो आप यहाँ से इमेजेस सिलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ से कुछ इमेजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। इमेजेस सिलेक्ट कर ली मैंने, क्रिएट न्यू गैलरी और इंसर्ट न्यू गैलरी। अब आपके पास यहाँ पर इमेजेस आ जाएंगी, इनको अगर आपने एडिट करना हो तो आप एडिट करके इनकी पोजीशन जो है वो मैनेज कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहें। और उसके बाद यहाँ से अब इसकी मज़ीद सेटिंग्स हैं कि आप इमेज साइज़ क्या रखना चाह रहे हैं, स्लाइड्स टू शो, आप कितनी स्लाइड्स जो हैं वो एक टाइम में शो करवाना चाह रहे हैं, तो हम इसको 5 कर देते हैं। स्लाइड्स टू स्क्रोल 1 पर क्लिक, और उसके बाद इसकी मज़ीद ऑप्शंस हैं जो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। इसको अपडेट करते हैं और अब रीलोड करते हैं। ओके, तो आप देखें यहाँ पर अब हमारे पास आ रहा है। फ़ॉन्ट को थोड़ा सा मज़ीद सेट कर लेते हैं और का नेविगेटर ज़रा ऑन करते हैं और मार्जिन वगैरह मैनेज करते हैं इसका। इसको बॉटम से 20 पिक्सल या 30 पिक्सल मार्जिन देते हैं और इस हेडिंग को सेंटर लाइन कर देते हैं, जो आई थिंक बेटर लग रही है। ओके, और अगर अभी इवेंट ब्राइट पर देखें तो मज़ीद लिस्टिंग है और इवेंट्स के फीचर्ड ऑर्गेनाइजर्स का सेक्शन हमने खुद क्रिएट कर लिया और फुटर है और यहाँ पर कुछ कैटेगरीज़ हैं जो यहाँ पर इन्होंने दी हुई हैं। हमने कैटेगरीज़ नहीं दी, सिंपल वांट टू क्रिएट एन इवेंट, हम इसको हम भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर तो आप यूज़र्स को, जैसे हमने पोस्ट एंड इवेंट की ऑप्शन डाली हुई है, इनेबल की हुई है, तो हम यहाँ पर एक स्पेसिफ़िक कॉल आउट भी बना लेते हैं जो यूज़र्स अपने इवेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं उनके लिए। उसके लिए टेम्पलेट का सहारा लेते हैं, ब्लॉग्स में आते हैं और कॉल टू एक्शन इनमें से चूज़ कर लेते हैं एक कॉल टू एक्शन। ओके, इसको चूज़ कर लेते हैं। इसके लिए बैकग्राउंड इमेज जो है वो कोई और चूज़ कर लेते हैं।
और हम यहाँ पर एक बटन भी डिस्प्ले करवा लेते हैं, और बटन को लिंक हमने कहाँ करना है, हमारा जो पेज है पोस्ट इन इवेंट का, इसके साथ हम इस बटन को लिंक करते हैं। इसको लिंक दे देते हैं और इसको मीडियम साइज़ दे देते हैं और इसको स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल में इसको बैकग्राउंड में इसका ट्रांसपेरेंट रखता हूँ, इसको एक बॉर्डर देता हूँ सॉलिड 2 पिक्सल, और इसको कलर जो है वो ऑलमोस्ट वाइट, और इसका बॉर्डर रेडियस हम 0 करेंगे। ओके, और इसको आइकन लगा लेते हैं। एक आइकन लगाने के लिए यहीं पर आपके पास आइकन सेलेक्ट करने की ऑप्शन होती है, मैं एरो इस्तेमाल कर लेता हूँ, एरो राइट, और इसको आफ्टर द टेक्स्ट डिस्प्ले करवा लेते हैं। ओके, और स्टाइल में आते हैं और होवर के ऊपर होवर एनिमेशन लगा लेते हैं कोई। ओके, होवर के ऊपर बैकग्राउंड कलर जो है वो हम एक वाइट ट्रांसपेरेंट रख लेते हैं, और टेक्स्ट कलर इसका ब्लैक कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक खूबसूरत कॉल टू एक्शन भी आ गया, और इसको हम टॉप से पैडिंग और बॉटम से पैडिंग इसकी कम करते हैं, इतनी ज़्यादा पैडिंग हमें नहीं चाहिए, और इसको हम टॉप से मार्जिन देते हैं 50 पिक्सल का। ओके, ओके, ये भी हमारे पास एक खूबसूरत सेक्शन आ गया फुटर में क्रिएट एन इवेंट का, कि यूज़र जो है वो अब यहाँ से प्रोमिनेंट हो गया उसके पास, कि वो इवेंट क्रिएट करने के लिए भी उसको जो लिंक है वो नज़र आ रहा है प्रोमिनेंट। तो ये फेडर सेक्शन भी हमारे पास कंप्लीट है, लिस्टिंग भी हमने ऐड कर ली होम पेज के ऊपर, और ये क्रिएट एन इवेंट का पेज भी हमारा क्रिएटेड है, यानी कि पोस्ट एन इवेंट का जो यूज़र जो है वो पोस्ट कर सकता है, इवेंट सबमिट कर सकता है। तो इसको बैक आते हैं। अब हमारे पास रह गया है फुटर सेक्शन, के फुटर में हमने सिंपली अब कुछ विजिट्स डिस्प्ले करवाने हैं। विजिट्स डिस्प्ले करवाने के लिए हम अपेरेंस में विजिट्स में आ जाते हैं, और यहाँ से देख लेते हैं कि हमारे पास अवेलेबल विजिट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये विजिट्स जो हैं, ये थीम जब आप इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन WP, उसके साथ आपको काफ़ी सारे विजिट्स मिलते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं आपके पास। उसके अलावा रीसेंट इवेंट्स है, ये विजिट है, ये हमें उस प्लगइन के थ्रू मिला है, और फीचर्ड इवेंट्स है, ये भी हमें उस प्लगइन के थ्रू मिला है। हम क्या करते हैं कि एक साइट के साइट स्पेसिफिक पेजेस का विजिट बना लेते हैं, और एक इवेंट कैटेगरीज़ का विजिट बना लेते हैं, कि इवेंट की कैटेगरीज लिस्ट कर लेते हैं। उसके अलावा कुछ जैसे इवेंट ब्राइट पे अगर आप आएँ तो आप देखें कि इवेंट यूज़ इवेंट ब्राइट, इसमें इनके कुछ इंटरनल पेजेस हैं, हाउ इट वर्क्स, FAQs वगैरह, प्लान इवेंट्स, यहाँ पर इसके रिलेटेड कुछ पेजेस हैं, कनेक्ट विद अस यानी कि कॉन्टैक्ट उनके उनके फेसबुक ट्विटर लिंकडिन और उनके कुछ सोशल इवेंट्स, और फाइंड इवेंट्स जो हैं वो उनके लिंक्स हैं। हम भी इसी तरह कुछ लिंक्स क्रिएट कर लेते हैं। लिंक्स क्रिएट करने के लिए हम पेजेस में आते हैं, और हम भी कोई मज़ीद पेजेस ऐड कर लेते हैं, जैसे कि FAQs का पेज ऐड कर लेते हैं। पेरेंट्स में मेन्यूज़ में आते हैं और एक नया मेन्यू क्रिएट करते हैं फुटर लिंक्स 1, और इसमें हम कुछ पेजेस ऐड करते हैं, सॉरी फुटर लिंक्स 1 ऐड हो गया था, हाउ इट वर्क्स, FAQs, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, और टर्म्स ऑफ सर्विसेज और प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, और इसको हम सेव करते हैं और एक नया मेन्यू क्रिएट करते हैं
फुटर लिंक्स टू। फुटर लिंक्स टू में हम भी जो है वो सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड कर लेते हैं, उसके लिए कस्टम लिंक्स का सारा ले लेते हैं, सिंपली हम हैश साइन देते हैं क्योंकि हम कोई एक्चुअल लिंक नहीं डाल रहे, हम सिंपल टेक्स्ट डाल लेते हैं यहाँ पर। ओके, कुछ लिंक्स ऐड कर लिए। अब इन लिंक्स को जब आपने ओशन डब्ल्यू पी थीम इस्तेमाल किया हुआ है तो इसमें मेन्यू आइकन्स का प्लगइन इसके साथ इंटीग्रेटेड है, तो आप मेन्यूज को आइकन्स भी लगा सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं डिफरेंट आइकन्स जो हैं वो, इसमें अब फॉन्ट ऑसमर सिंपल लाइन आइकन्स आपको मिल जाएंगे, तो हम बारी बारी रेलेवेंट आइकन सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि फेसबुक के लिए फेसबुक का सिलेक्ट कर लेते हैं, ट्विटर के लिए ट्विटर का, और बाकियों के लिए बाकी का। ओके, मेन्यू मैंने सारों के लिए आइकन्स मेन्यू सेलेक्ट कर लिए, सेव करते हैं। और अब हम क्या करते हैं कि मेन मेन्यू के लिए भी आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं, हमने उनके लिए कोई आइकन सेलेक्ट नहीं किए थे। होम के लिए होम का आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारी वेबसाइट की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाए। और इवेंट्स के लिए यहाँ से इवेंट के लिए नॉर्मली कैलेंडर का जो है वो आइकन इस्तेमाल होता है, और पोस्ट एंड इवेंट के लिए ये नॉर्मली आइकन हमारे पास इस्तेमाल होता है पोस्ट के लिए। डैशबोर्ड में यूज़र का आइकन इस्तेमाल कर लेते हैं, सेव करते हैं। तो आप देखिए हमारा होम पेज का मेन्यू भी बड़ा खूबसूरत हो गया। और अब हमने क्या करना है, जो हमने दो मेन्यूज़ क्रिएट किए हैं इनको फुटर विजेट्स में इस्तेमाल करना है। उसके लिए फुटर वन में मेन्यू को विजेट में डिस्प्ले, फुट कहीं भी विजेट एज ए विजेट डिस्प्ले करवाने के लिए आपके पास ओशन डब्ल्यू पी थीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कस्टम मेन्यू का विजेट जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ओशन डब्ल्यू पी थीम इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप नेविगेशन मेन्यू का वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट अवेलेबल विजेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको फुटर विजेट में इस्तेमाल करते हैं, मेन्यू सिलेक्ट करते हैं, फुटर लिंक्स वन, इसको हम कह लेते हैं यूज़फुल लिंक्स, और पोजिशन अब आप इसकी मज़ीद जो है वो ऑप्शंस हैं जिनको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सेव करें और अब हम अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू लेते हैं। ओके, एक खूबसूरत मेन्यू आ गया हमारे पास, और एक और मेन्यू हमने डिस्प्ले करवाना है यहाँ पर फुटर टू में, या इसको हम ले जाते हैं फुटर थ्री में, और यहाँ पर हम इसको टाइटल दे लेते हैं कनेक्ट विद अस। यहाँ से मेन्यू फुटर लिंक्स टू इस्तेमाल कर लेते हैं, सेव करते हैं। ओके, कनेक्ट विद अस। अब थर्ड प्लेस पर हम क्या करते हैं कि रीसेंट इवेंट्स को डिस्प्ले करवा लेते हैं। रीसेंट इवेंट्स को फुटर टू में डिस्प्ले करवाते हैं, और यहाँ पर अब चूंकि ये जो रीसेंट इवेंट्स का विजेट है इनका, ये जो रीसेंट इवेंट्स है इनको डिस्प्ले कर रहा है एज ए ब्लॉक, यानी कि ये सिंपल पोस्ट टाइप इनको हमें डिस्प्ले नहीं करवा रहा। तो अगर आप स्पेस को मतलब कॉम्पैक्ट रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ एक ही इवेंट डिस्प्ले करवाएं, या फिर क्या करें कि अगर आप इस तरह से मुतमईन नहीं हैं तो आप कोई भी थर्ड पार्टी कस्टम पोस्ट का जो है वो विजेट यहाँ पर लगा सकते हैं।
अगर आप ये जैसे मेन्यू हमारे पास आ रहे हैं इसी स्टाइल में अगर आप कोई लिंक जो है वो लिंक्स की सूरत में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, या हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर चूँकि आपकी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग भी होगा तो हम रीसेंट पोस्ट को डिस्प्ले करवा लेते हैं, 5 पोस्ट करवा लेते हैं कि आपके ब्लॉग से जो हैं वो पोस्ट यहाँ पर आ जाएं। ओके, इसको 3 ही रहने देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास अब फुटर में 3 विजेट एरियाज आ गए हैं, 3 विजेट्स आ गए हैं, मेन्यू है, पोस्ट है इनमें, और यहाँ पर एक ऑप्शन, एक मज़ीद हमारे पास स्पेस अवेलेबल है विजेट एरिया की, एक मज़ीद विजेट एरिया हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसको हम देख लेते हैं कि किस तरह का ऐड करें। मेन लिंक्स के लिए तो हमने सारे कर लिए हैं। यहाँ पर हम सिंपल क्या करते हैं कि पेरेंट्स में विजेट्स में आते हैं और देख लेते हैं कि हम किस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए इंस्टाग्राम का भी विजेट मौजूद है, हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंपल यहाँ से आपने क्या करना होता है कि इंस्टाग्राम का आपका कोई भी यूज़र नेम या हैशटैग आपने देना होता है। आप अपना यूज़र नेम दे सकते हैं या हैशटैग दे सकते हैं। हम इसको कंसर्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपना हैशटैग या यूज़र नेम दें ताकि उससे रिलेटेड इमेजेस जो हैं वो आएँ। ओके, स्टाइल आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, हम इसका स्टाइल चेंज कर लेते हैं। ओके, तो आई थिंक ये जो है वो साइट स्टाइल ठीक है हमारे पास। इमेज की लिमिट कम कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास स्पेस में फिट आए। ओके, जब अब इस पर क्लिक किया जाएगा तो वो इमेज रेलेवेंट ओपन हो जाएगी। ये फुटर भी हमने एक खूबसूरत डिज़ाइन कर लिया, और अब होम पेज और हमारा बाकी सारा टास्क जो है वो कंप्लीट है। आप इवेंट लिस्टिंग इवेंट लिस्टिंग का जो पेज है हमारे पास, ये देखें इसमें हमारे पास साइड बार आ रही है। अगर आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं ताकि हमारे पास स्पेस जो है वो इंक्रीज़ हो, अगर आप यहाँ पर एड्स या डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं कुछ तो आप यहाँ पर करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपेयरेंस में विजिट्स में आएँ तो आप देखें यहाँ पर साइड बार अवेलेबल हैं। डिफ़ॉल्ट आपके पास जो साइड बार है ये डिस्प्ले हो रही है वहाँ पर इस वक्त, तो आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आप रिसेंट इवेंट्स डिस्प्ले करवा सकते हैं साइड बार में, डिफ़ॉल्ट साइड बार, और यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं बाकी चीज़ों को। तो आप देखें यहाँ पर भी आपके पास रीसेंट इवेंट्स जो है वो उसका विजेट आप इस्तेमाल करके यहाँ पर रीसेंट इवेंट्स डिस्प्ले करवा सकते हैं। और अगर आप साइड बार को रिमूव करना चाह रहे हैं पेज से तो आप सिंपली इस पेज को एडिट करें और इसका जो लेआउट है 100% फुल विड्थ, सॉरी होम पेज नहीं है ये हमारे पास, ये इवेंट्स का पेज है, और इसका लेआउट जो है वो 100% फुल विड्थ कर देते हैं। सॉरी 100% फुल विड्थ नहीं, इसको फुल विड्थ करेंगे। ओके, तो ये इवेंट्स का भी, अब हमारे पास इवेंट्स का पेज जो है ये खूबसूरत है। पोस्ट एंड इवेंट, इस पेज से भी अगर आप सर्च पर साइड बार रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इट्स फाइन। और सिंगल इवेंट का लिस्टिंग का जो पेज है, और अगर आप इस सिंगल इवेंट लिस्टिंग के पेज को मैनेज करना चाह रहे हैं, कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं इसके लेआउट को,
तो आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए होगा। एलिमेंटर प्रो के साथ फिर आप उसका थीम बिल्डर इस्तेमाल करते हुए किसी भी किस्म की पेज के, पोस्ट के, सिंगल पोस्ट के, आर्काइव के लेआउट को आप उसके थीम बिल्डर के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस थीम के साथ रहते हुए आपको इसके ये, क्योंकि ये एक कस्टम पोस्ट टाइप है इवेंट की, और उसमें ये उसकी ये पोस्ट है, सिंपल ब्लॉग पोस्ट होती है, तो उसके भी आप अपनी इस थीम के ज़रिए मैनेज कर सकते थे। कस्टमाइज़ के ज़रिए आप साइड बार रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इस पेज से साइड बार रिमूव करने के लिए आपको यहाँ तो कस्टम CSS लिखनी होगी, और या फिर आपको जो है वो एलिमेंटर का प्रो वर्जन इस्तेमाल करते हुए उसके थीम बिल्डर के ज़रिए आप इस पेज को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्री टूल्स और इस प्लगइन के फ्री वर्जन को इस्तेमाल करते हुए हम इतना ही कुछ बना सकते हैं। इसमें अभी तक किसी किस्म का भी पेड टूल या पेड ऑप्शन इस्तेमाल नहीं की गई है, और हमने कंप्लीट एक इवेंट लिस्टिंग वेबसाइट क्रिएट कर ली है। और अब इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मुश्तमिल है पेड टूल्स और पेड एडोंस के ऊपर, कि इस प्लगइन को अब आप एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। कि ये तो हमने इवेंट लिस्टिंग आपको बनाना सिखा दी, लेकिन अब आप टिकट्स कैसे सेल कर सकते हैं, आप इस प्लगइन की ऑप्शंस को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, गूगल मैप्स वगैरह डिस्प्ले करवाना, और इस एलिमेंटर प्रो को इस्तेमाल करते हुए इस इवेंट लिस्टिंग के पेज की सिंगल इवेंट लिस्टिंग को भी मैनेज करना, और मज़ीद ऑप्शंस और मज़ीद एक्सटेंशंस को कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप देखें कि हम इसको नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेकर जाएंगे।